सीबीएसई का डेट शीट आएगा, देखे कि नहीं? देख लिया ना? आई नो, मुझे मालूम देख लिए होगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे देख रहे होगे, टेलीग्राम ग्रुप पे, या कोई पे, गूगल पे, कहीं पे भी तो दिखते ही होगे डेट शीट। जस्ट आप लोग सर्च भी तो करते होगे। या बहुत सारे लोग ये वेब डेट शीट दिखा रहे हैं, मैं साइड में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखते होगे। पहली बात, ये डेट शीट जो भी फैलाया जा रहा है आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे, पहली बात ये फेक है, ठीक है। मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया डेट शीट कैसे चेक किया जाता है, कैसे नहीं। बट जो अच्छे स्टूडेंट, मीन्स अच्छे क्या बोल सकते हैं, जो जिसको दिमाग है, वो डायरेक्ट जाके सीबीएसई की वेबसाइट पे देखेगा, ना कि व्हाट्सएप पे देखेगा, यूट्यूब पे देखेगा, कोई और। मुझे टाइटल ऐसा डालना पड़ा ताकि आप लोग समझ पाओ, ठीक है। पहली बार डेट शीट ये फेक है, ये जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ साइड पे। अभी इसमें लिखा है कि आपका May 4 से एग्ज़ाम चालू होने वाला है, एंड देन या May 8 को फिजिकल एजुकेशन है, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। May 12 को इंग्लिश है, एंड देन सो ऑन है। तो पहली बात ये फेक है, मतलब एक कौन से लोग कहाँ से ऐसे बनाते हैं डेट शीट, एंड देन इसको फॉरवर्ड कर देते हैं वो सारे जगह, आई डोंट नो। ये ऐसा बोल सकते कि ऐसा डेट शीट बन सकता है, बट ये पहली बात फेक है। और प्लीज़ मत सेंड किया करो मेरे भी व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी चलते हैं 3-4 ग्रुप चलते हैं व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, सारे जगह ये डेट शीट फैलाया जा रहा है। मैं क्या बोलूँ, बहुत ही मीन्स आप लोग पढ़ने के बजाय ये सब देखते रहते हो यार, क्या क्या कहा जाए, मतलब क्या कहूँ मैं। बाकी इसमें 10th का भी दिया है, मैं दिखा दूँगा आपको, यहाँ पर 10th का लिखा है, एंड देन या 10th का लिखा है, May 26 से इंग्लिश है, एंड देन सो एंड सो ऑन, बहुत सारे डेट्स हैं। सबसे पहली बात ये फेक है, मैंने तो बता दिया। और अगर आपको डेट शीट देखना ही रहता है तो डायरेक्टली जाके CBSE की वेबसाइट पे देखा करो, cbse.nic.in पे जाके देखो। आपके नोटिस के साइट पे आपका पूरा सर्कुलर रहेगा, अगर डेट शीट आ जाएगा, ओके। और डेट शीट जब भी आएगा, मैं तुरंत आपके अपने यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप जो भी है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी, सारे जगह मैं अपडेट दे दूंगा यार। फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दो, मत दो ये सब ध्यान। और क्या बताऊँ आप लोग, फिर टिल देन यही है वीडियो। अगर आप लोग बोलोगे भैया व्यूज़ के लिए आए हो, तो आप लोग भी तो व्यूज़ के लिए देखते जा रहे हो व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, क्यों देख रहे हो? पढ़ो, 3 महीने में आपका एग्ज़ाम आने वाला है, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? पढ़ो, इतना टाइम दे रहा है CBSE, ये आप लोग पढ़ो भाई। प्रैक्टिकल आने वाले मार्च में, वो तो करो, कुछ तो करो। मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आ रहा है, फ़ोन पे कॉल आ रहा है, भैया मुझे ये प्रोजेक्ट फाइल दे दो, ये प्रोजेक्ट फाइल दे दो। मीन्स आप लोग कुछ पढ़े नहीं, जस्ट आप PDF मांग रहे हो, एंड देन इसको प्रिंट आउट कराना चाह रहे हो। हाउ कैन आई गिव दैट, सो सॉरी। बुक की PDF मांग रहे हो, ऐसा मांग रहे हो, यू ऑल आर नोइंग कि ये एक इलीगल चीज़ है। मुझे बहुत सारे ईमेल आते रहते हैं कि डोंट प्रोवाइड लाइक दिस बुक, ये सब, बट आप लोग का डिमांड रहता है, दैट्स व्हाई मैं प्रोवाइड करता हूँ। बट ये बहुत ही बेकार चीज़ है। मैंने एक वीडियो बनाया था या फिजिकल एजुकेशन के बुक के PDF के लिए, वहाँ पर मोस्टली, अभी आप लोग डेट शीट तो ये देख लिए होगे, अगर देख लिए तो वीडियो जाके एंड कर दो। ये एडिटेड वीडियो नहीं है, जस्ट मैं डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा इसको, कोई इसमें कट आउट नहीं होगा, ठीक है। अगर डेट शीट तो पहली बात फेक है, ये भी जो मैं दिखा रहा हूँ, डेट शीट जब भी आएगा आपके CBSE की वेबसाइट पर आएगा। तो मैं अपने जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स, उनको बताना चाह रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था फिजिकल एजुकेशन के बुक के PDF के लिए, वहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स बोले थे, वो कर लो तो आपको डायरेक्टली मैं PDF दे दूँगा। ये आप लोग देख रहे होगे यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ, इतने डिसलाइक्स आए हैं। मीन्स आपको मैं एक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक भी दूँ, मैं खुद से हूँ, मैं अपने आप को जाऊँ, मीन्स जेल में चल जाऊँ या कोई और अदर चीज़, जस्ट आपको हेल्प हो जाए, मुझे कुछ हेल्प नहीं हो, तो एक बैड थिंग है। आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग को समझना चाहिए। 2000 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, वो लोग तो मालूम ही होगा, सोसाइटल इम्पैक्ट पड़े ही होंगे। प्लीज़ समझा करो कोई चीज़। और या बहुत सारे वीडियोस आएंगे हमारे चैनल पे, रेगुलर अपडेटेड रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन गाइस, गुड डे, बाय। अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम।